दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो आपने थंबनेल के ऊपर तो पढ़ ही लिया होगा, तो बगैर टाइम जाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, मैं आपको उसकी प्रॉपर्टी चेक करवाता हूँ। ये देखें WEBM, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है MPEG2 या H+264 में, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है मैं किसी भी सॉफ्टवेयर, जैसे ये मेरे पास EDS है, मैं ज़्यादातर EDS यूज़ करता हूँ, जब मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ तो ये नहीं ओपन हो रही, तो मैं सिंपली इस वीडियो को कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले आपने VLC प्लेयर को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने मीडिया फाइल में आना है। मीडिया फाइल में आने के बाद आपने आना है कन्वर्ट एंड सेव, और फिर यहाँ से आपने उस फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपकी फाइल्स WEBM की है। मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ से आपने कन्वर्ट एंड सेव पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपने कन्वर्ट Alt+O। ये देखें वीडियो H+264+MP3 and MP4, तो ये मुझे H+264 में चाहिए, तो यहाँ से मैं इसको ब्राउज दे देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ MP4, तो यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव और यहाँ से स्टार्ट। ये देखें जो वीडियो है वो रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।